हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। इमाइल दुर्खाइम की हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट पढ़ा था, जैसे कि सोशल फैक्ट, डिवीजन ऑफ लेबर पिछले लेक्चर में। आज हम लोग इमाइल दुर्खाइम की अनोमी, सुइसाइड, रिलीजन, ये तीन कंसेप्ट को संक्षिप्त में पढ़ेंगे, क्योंकि 15-20 मिनट में सारे टॉपिक को इतना विस्तार से नहीं हो सकती है, बट कोशिश करेंगे जो आपको समझा पाऊं। सो फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं, व्हाट इज अनोमी अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खाइम। एंड ये जो अनोमी की कंसेप्ट इमाइल दुर्खाइम अपने डिवीजन ऑफ लेबर की बुक में लिखे थे, और इस अनोमी को हम लोग इसको नियमहीनता कहते हैं। और इस नियमहीनता का मतलब, जब हमारी मोरल वैल्यूज या जो गाइडेंस हम लोगों को जीने के लिए समाज में किसी व्यक्ति के लिए बनाया गया, वो अगर खत्म हो जाए तब हम उसको अनोमिक कंडीशंस कहते हैं। तो सोसाइटी में आज भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे सिचुएशन में, जब हम लोग अपनी रूल्स रेगुलेशन जो हमारे लिए सभ्य समाज के लिए बनाया गया है, अगर हम मानते नहीं है, और ज्यादातर लोग अगर इस रूल्स रेगुलेशंस को हम लोग ना माने, तो एक अनोमिक कंडीशंस होती है, जब हम अपनी प्रॉपर्टी, लाइफ या सिस्टम या स्ट्रक्चर को बनाने में फिर मुश्किल हो जाती है, जब अनोमिक कंडीशंस होता है। तो ये अनोमी दुर्खाइम की कंसेप्ट में, आप उसको सुसाइड के केस में भी देखा जाएगा, एक अनोमिक है। जब हम सुसाइड बताएंगे तो वो भी डिस्कस करेंगे। फिर हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसको सुइसाइड कहा जाता है, आत्महत्या। सो दुर्खाइम की ये सुइसाइड, ये एक इम्पोर्टेंट स्टडी था, और इसीलिए हम दुर्खाइम को मानते हैं जे वन ऑफ द ग्राउंडेड थिंकर, जिन्होंने एम्पिरिकल वर्क के माध्यम से आत्महत्या के बारे में बताया है, सिद्धांत दिया है। और जितना इनकी जो सोशल फैक्ट के माध्यम से ये अपने एक्सप्लेन करते हैं दैट हाउ एंड व्हाई सुइसाइड इज ए सोशल फैक्ट। तो दुर्खाइम से पहले हम लोग समाज में जितने भी सुइसाइड, आत्महत्या होता था, तो हमेशा हम लोग एक साइकोलॉजिकल या एक मेंटल कंडीशंस को हम लोग एक्सप्लेन करते थे। बट दुर्खाइम एक्सप्लेन्स दैट एवरी सुइसाइड हैज ए सोशल रीजन एंड सोशल कंडीशंस, सोसाइटी इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, सो दैट बिकम सोशल फैक्ट। तो समाज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब इस कारण की या जिम्मेदार होती है किसी ना किसी रूप में, कोई भी सोशल स्ट्रक्चर के किसी भी कारण की वजह से अगर कोई भी व्यक्ति सुइसाइड करता है या करती है, तो हमें लगता है ये एक सोशल फैक्ट के नाते दुर्खाइम उस बात को रखते हैं। और दुर्खाइम की ये जो सुइसाइड कंसेप्ट है, ये चार टाइप्स की माना जाता है, जिसको आप इगोइस्टिक सुइसाइड कहते हो, अहमवादी आत्महत्या, और एक अल्ट्रुइस्टिक सोसाइटी सुइसाइड जिसको आप कहते हो परार्थवादी आत्महत्या, और एक अनोमिक सुइसाइड जिसको कहते हैं नियमहीनता आत्महत्या, और एक फाटलिस्टिक सुइसाइड जिसको भाग्यवादी या भाग्य से जोड़ के एक आत्महत्या कहा जाता है। व्हेन वी अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ द इगोइस्टिक सुइसाइड, सो देयर इज अ सेंस ऑफ लो इंटीग्रेशन। अगर किसी व्यक्ति किसी समाज में अपने आप को ठीक से जोड़ नहीं पाता है, उस मॉरल कंडीशंस के साथ वो अपने आप को एडप्ट नहीं कर पाती है, वहां की कलेक्टिव कंसाइंस के साथ उसकी कंसाइंस फिट नहीं हो पाती है, तब तो उसके अंदर एक इगोइस्टिक कंडीशंस आती है। व्हेन एनी इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू फिट, सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हमारे साथ जितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, और सारे स्टूडेंट्स अगर हम लोग इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, और एक स्टूडेंट है जो विदेश की कोई अच्छे यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या हार्वर्ड से आता है, तो अपने आप को, अपनी नॉलेज, अपनी एटीट्यूड, अपने पर्सनालिटी को तो हमारे यूनिवर्सिटी वो इंडियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ अपने आप को फिट नहीं कर पाता है। तो इफ ही और सी डज द सुइसाइड, सो दैट बिकम्स द इगोइस्टिक सुइसाइड, क्योंकि वहां पे उसकी अहम, जो उसकी इंटीग्रेशन को कमजोर किया है, उसको उस मोरल गाइडेंस जो सोसाइटी सुसाइड के साथ है, जो सोसाइटी के साथ नहीं हो पाया, उस जगह पे उसकी सुसाइड करता है या करती है, इट इज अहमवादी या इगोइस्टिक सुसाइड। बट
इन अदर केस व्हेन देयर आर ऑल्ट्रुइस्टिक सुइसाइड वहां पे हाई इंटीग्रेशन। तो जब आपकी लगाव ज्यादा है उस मोरल वैल्यूज के साथ, आप अपने आप को ज्यादा लगाव है, या आप उस सिस्टम के साथ अपने आप को एक इंटीग्रेटेड, हाईली इंटीग्रेटेड अपने आप को मानते हैं, तो उसके हटके आप देख नहीं सकते। तो जैसे हम लोग सती प्रथा को हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, जे हिंदुइज्म में जो पहले सती व्यवस्था था, तो वहां पे हस्बैंड के साथ उसके पत्नी के, जो हस्बैंड की डेथ होने के बाद उसकी पत्नी भी उस आग में, उसकी भी एक जो ये कंडीशंस होती थी उसके साथ, उसको भी मरना है। तो ये सती सिस्टम एक अल्ट्रुइस्टिक है, बिकॉज द सोशल सिस्टम वॉज सो हाईली इंटीग्रेटेड विद द रिलेशनशिप, विद द मोरल वैल्यूज अटैच्ड टू द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। और इस तरह जापान में भी ऐसा कंडीशंस आया था, जब जिसको हम कहते हैं हराकिरी ऑफ जापान, सो वहां पे भी ऐसे हाई इंटीग्रेशंस था, तो लोगों ने उस सिस्टम के साथ इतना अटैच्ड है तो उन्होंने सुइसाइड किया था। तो ये ड्यू टू इंटीग्रेशंस। सो वन साइड देयर इज ए लो इंटीग्रेशन दैट इज इगोइस्टिक अहमवादी, एक हाई इंटीग्रेशन जब आप परार्थवादी अल्ट्रुइस्टिक सुइसाइड। तो ये दोनों कंडीशन के बाद फिर हमने एक और कंडीशन जिसमें एनोमिक सुइसाइड की बात करते हैं, जहां पे लो रेगुलेशंस, हमारी मोरल वैल्यूज को कंट्रोल करने की जो तरीका है वो कमजोर होती है। वी आर अनेबल टू मेंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशंस और द मोरल वैल्यूज और द कलेक्टिव कंसाइंस। तो हम उस जगह पे अगर फेल्योर होती है, इसका मतलब दैट इज लो रेगुलेशंस। तो समाज को जो चलाने के लिए जो प्रक्रिया में अगर वो कमजोर हो गया आपकी व्यवस्था, सो देयर वुड बी एनोमिक सुइसाइड। सो एनी फेल्योर्स इट इज नॉट नेसेसरली इकोनॉमिक फेल्योर्स। तो किसी भी जगह पे अगर आप फेल्योर होते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलती है, आप किस जगह पे निराश हो जाते हैं, एक ही जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स के सुसाइड जो हम लोग हमेशा देखते हैं, या जो लोग लव लाइफ में फेल्योर होते हैं, तो इस तरह अगर सुसाइड केस आती है तो अनोमिक सुसाइड कहा जाता है, बिकॉज द सोसाइटी इज अनएबल टू कंट्रोल दैट टाइप ऑफ सिचुएशंस, जहां पे लॉलेसनेस हो जाती है, नियमहीनता हो जाती है, तो वहां पे एक सुसाइड जो होती है अनोमिक सुसाइड, या जो नियमहीनता आत्महत्या कहा जाता है। फिर उसी के बाद जब हाई रेगुलेशन होती है, हाईली कंट्रोलिंग मोरल वैल्यूज की जब होती है, मोरल वैल्यू हमें बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, हमें उस वैल्यू से हट के नहीं देख पाते हैं, तो वहां पे हम फैटलिस्टिक सुसाइड कहते हैं, जहां पे हमें कोई ऑप्शंस नहीं बचता है, हमें इतना मोरल वैल्यूज के साथ इतना जोड़ के देखा जाता है, तो वहां पे हम फैटलिस्टिक माना जाता है। तो जैसे एनिशियंट रोमन एम्पायर में था, और बहुत सारे जगह पे हम अपने आप को जैसे किसी भी व्यवस्था में अपने आप को जोड़ते हैं, तो उससे हट के हम नहीं देख पाते हैं, तो वहां पे हाई लेवल की रेगुलेशन होती है, इतना मोरल गाइडेंस ज्यादा टफ होती है, तो वहां पे आप उससे हट के अपनी लाइफ को देख नहीं पाते हैं, तो वहां पे भी एक सुसाइड होती है जिसको हम फैटलिस्टिक सुसाइड कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दुर्खाइम। उसके बाद दुर्खाइम की और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम रिलीजन कहते हैं, सो अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खाइम, रिलीजन इज ऑल्सो ए सोशल फैक्ट। और ये सोशल फैक्ट की सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको आप एक्सटर्नलिटी कहते हो, जनरलिटी कहते हो, कंस्ट्रेनिंग कहते हो, ये सारे चीज रिलीजन से जुड़ा हुआ है। और इनकी जो डेफिनेशन, वन ऑफ दी एक्सेप्टेड एंड फेमस डेफिनेशन माना जाता है, व्हाट इज रिलीजन, अगर हमें पूछा जाए अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खाई, इट इज नथिंग बट एन यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, एंड दैट इज रिलेटेड टू दिस सेक्रेड थिंग्स। जो हमारे सिस्टम में जो बिलीव्स और जो प्रैक्टिसेस है, जो रिचुअल्स है, जो हमारे धर्म या अच्छे चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, और ये बिलीफ प्रैक्टिसेस हमारे मोरल को मजबूत बनाता है, एक सिंगल मोरल तक पहुंचाता है, बनाता है, या तो हम मंदिर हो या चर्च हो या मस्क हो, उस जगह तक हमें पहुंचाता है, क्योंकि हम लोगों के विश्वास एक यूनिफाइड हो जाता है। और एक विश्वास, जैसे हम हिंदू रिलीजन है, सो देर आर सर्टन बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, एंड दैट मेक्स अस, वी आर ऑल हिंदू। इफ देर आर इस्लाम्स, सो दे हैव सर्टन बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, सो दे बिकम
they become united for a single moral community. Similarly, those who are Christians, so they have a church. So church को इन्होंने अपने आप को जो बांध के रखता है, तो चर्च से जुड़ा हुआ जो भी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, वो भी उनको ये मानते हैं एक सिंगल मॉरल कम्युनिटी है। और ये जो रिलीजन की सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जे यहाँ पे बिलीव्स है और एक प्रैक्टिसेस है। ओनली बिलीफ इज नॉट अबाउट रिलीजन अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खाए, सो इट हैज टू बी इन प्रैक्टिस। तो जैसे मैं बोलूंगा भगवान पे विश्वास करता हूँ, भगवान मतलब राम हो या कृष्ण हो या हनुमान जी हो, तो मैं बिलीव भी करता हूँ। और जो अल्लाह को विश्वास करता है या जो जीसस को विश्वास करता है, खाली विश्वास नहीं करना है, उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रैक्टिसेस है, एंड ऑल आर कंसिडर्ड टू बी सैक्रेड। आप रोजा रखो, व्रत रखो, मंदिर में पूजा करो, आप हनुमान चालीसा मंत्र उच्चारण करो, ये सारे प्रैक्टिसेस हमारे रिलीजन को एक्सप्लेन करता है। These are the sacred part, and it has a relationship with your belief system as well as practices. जब sacred profane की बात करते हैं, दोनों चीज society में मिलता है। So according to Durkheim, if the society is divided into two different parts, one is the sacred, another is the profane. Sacred, which has a relationship with holy, जिसको आप पवित्र कहते हो, जिसको हम accepted बिहेवियर प्रैक्टिसेस मानते हैं, जो धर्म से जुड़ा हुआ, जिस विश्वास से जुड़ा हुआ, जितने भी चीजें हम, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने से पहले हम नहाते हैं, हम साफ कपड़े पहनते हैं, हम पूजा पाठ करने के लिए पूजा की सामग्री लेके जाते हैं, ये सारे चीज सैक्रेड है। बट आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको चमड़े से बना हुआ बेल्ट नहीं पहनना है, जूता बाहर रखना है, तो ये सारी चीज प्रोफेन है। तो हमारे प्रैक्टिसेस में इस चीज को अवॉइड करते हैं। सो जो चीज प्रैक्टिस में ले आए टू अंडरस्टैंड अवर बिलीफ टू पुट इनटू प्रैक्टिस, दैट बिकम्स द सैक्रेड। और जो एवरीडे लाइफ में, जो मुंडेन लाइफ, जो हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत सारी चीजें करते हैं जो सैक्रेड जरूरी नहीं, वो सैक्रेड हो सकता है। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इट बिकम्स द प्रोफेन। और ये सैक्रेड प्रोफेन, इट इज नॉट अबाउट पार्ट ऑफ the idea of Emile Durkheim's idea only important to religion, but it has been accepted in different parts and different other belief systems also. ये खाली धर्म से जुड़ा हुआ नहीं, आपकी everyday life के साथ भी, आप क्या करते हो, do and don't, ये दोनों चीज में what is sacred, which is profane. जैसे हम अगर caste system को जोड़ते थे पहले, so caste में जब untouchable होता है वो part profane हो जाता है, तो sacred means उससे जुड़ा हुआ पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो यहाँ पे रिलीजियन एक फंक्शनल प्रोस्पेक्टिव में दुर्खाइम वांटेड टू डिस्कस जे ये इसकी जो प्रकारेवाद है, और उस प्रकारेवाद में सैक्रेड पार्ट को, जो हमारी होली लाइफ, जो हमारी सुपर नेचुरल बिलीफ सिस्टम्स को एस्टाब्लिश करता है, और जो हमारे प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए, जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स को मजबूत नहीं करता है, कमजोर करता है, वो प्रोफेन हो जाता। ये दोनों ही सोच हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये सोसाइटी में है। सो देयर आर प्रोफेन, देयर आर सैक्रेड, देयर आर टचेबल्स, देयर आर अनटचेबल्स, देयर आर पॉजिटिव, देयर आर नेगेटिव, देयर आर सुपरनेचुरल, देयर आर मुंडेन। तो ये जो डाइकोटोमी है, तो हमारी रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स में है, जो हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करते हैं। तो जो करते हैं, जो हमें फील कराता है, हमारे बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को प्रूफ कराता है, दैट बिकम्स द सैक्रेड। और जो नहीं करना चाहिए, दैट बिकम्स द प्रोफेन, व्हिच यू वांट टू अवॉइड, बट इट हैज अ रिलेशनशिप विथ योर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, एंड दैट अटैच टू योर ओन रिलीजियस सिस्टम्स। तो जरूरी नहीं है सारे रिलीजन में हमारी जो जो चीज हमारे लिए प्रोफेन, तो उनके रिलीजन में प्रोफेन हो, उनके लिए वो सैक्रेड हो सकता है। So that means it is subjective in that conditions, but it is always there in your belief systems. There are something sacred and there are something profane. So jaise hum log Ganga jal ko hum sacred mante hain, it has a relationship with our belief systems in Hindu religion. So there are lot of things we consider that is profane, we don't allow in our puja, in our temples, in our belief systems. So that becomes the profane part. रिलीजन के ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बाद
अनदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो इमाइल दुर्खाइम के दिया हुआ, टोटेमिज्म। टोटेमिज्म इन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, बिकॉज जो टोटेम शब्द है एक सिंबल है, वो भी एक सोशल फैक्ट है, दैट हाउ दिस सिंबल्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्लान और ए कम्युनिटी और इज ए सिस्टम ऑफ बिलीफ। तो टोटेम के नाम पे हम पूजा करते हैं, कोई पत्थर को भगवान मानता है तो वो जो पत्थर है या कोई जानवर है या कोई एक ट्री है, तो हम उसको सिंबॉलिक वैल्यू देते हैं और भगवान की तरह एक बिलीफ सिस्टम्स में लाते हैं। सो ये आपकी क्लान को भी डिस्क्राइब करता है, इवन इन ट्राइबल सिस्टम्स और एनी टाइप ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिटी। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे यूज टू वर्शिप। फॉर एग्जाम्पल, इन हिंदू रिलीजियन वी वर्शिप काउ। तो हमारे लिए काउ इज ए टोटेम, इट सिंबलाइजेस समथिंग सैक्रेड, वी वर्शिप इट, बट इट हैज ए रिलेशनशिप विद ए लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। जैसे हम कहते हैं, टोटेम के नाम पे हमने उसको प्रोटेक्ट किया, उस स्पेसिस को हम रहने दिया, काटा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू रिलीजियन में हम लोग ये भी देखते हैं, जो बरगद की पेड़ या पीपल की पेड़ को हम काटते नहीं, जलाते नहीं। सो दैट मीन्स इट वी वर्शिप एंड वी प्रोटेक्ट। तो हमारी टोटेम के नाम पे एक सिंबॉलिक वैल्यू है जो हमारे बिलीफ के साथ जोड़े जुड़ा हुआ है, और हम प्रैक्टिसेस में भी उसको एक्सप्लेन करते हैं दैट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट हैज एन इम्पोर्टेंस टू आवर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। सो टोटेम्स आर नॉट ओनली द सिंबल्स, बट इट हैज बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस वैल्यू दैट हैज रिलेटेड टू दैट हाउ देयर इज ए सिंगल मोरल कम्युनिटी व्हिच हैज ए ट्रस्ट व्हिच हैज ए क्वालिटी टू एडहर देम। मतलब उसको बांध के रखने के लिए एक सिंबॉलिक वैल्यू क्रिएट होता है और एक क्लान को रिप्रेजेंट करता है और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को उससे जुड़ा होता है। सो दोनों की सिस्टम्स को जोड़े रखने के लिए टोटेम और एक कम्युनिटी, ये दोनों की रिलेशंस को सैक्रेड माना गया है। सो दैट मीन्स यू हैव सर्टन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस यू फॉलो बिकॉज ऑफ द टोटेमिज्म। सो टोटेमिज्म को अगर आप प्रिमिटिव सिस्टम्स में देखेंगे, सो ऑलमोस्ट ऑल द ट्राइब्स, वेदर इट इज अफ्रीकन और एशियन, किसी भी ट्राइब में, सो देर आर सर्टन थिंग्स दे यूज टू वर्शिप फ्रॉम द नेचर, फ्रॉम द एनिमल्स, फ्रॉम द प्लांट्स। सो दैट इज द वे टोटेम हैज बीन एन इम्पोर्टेंट प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस दैट इज वेरी मच प्रिवेलेंट। अगर मॉडर्न सोसाइटी में देखेंगे, टोटेम्स आर ऑल्सो वेरी मच देयर। तो हमारे पास जो सिंबल है दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट, दैट सिंबल इज नथिंग बट इट इज ए कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। इट डिफाइन्स दैट हाउ इट इज रिप्रेजेंटिंग द सिंगल मॉरल कम्युनिटी। सो टोटेम्स आर नॉट सिंपली एन ऑब्जेक्ट, इट इज द प्रोडक्ट, इट इज द मीनिंग दैट हैज रिलेशनशिप विथ आवर मॉरल कम्युनिटी, दैट इज सिंगल, दैट इज यूनिफाइड सिस्टम्स ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस अटैच्ड टू दैट टोटेम। सो टोटेम जो सिंबॉलिक वैल्यू है उसके साथ जुड़ा हुआ हमारी बिलीफ सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस। और इसी तरीके से हम लोगों ने आज दुर्खाइम की जो कंसेप्ट है, सुसाइड, अनोमी और रिलीजन को हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो इससे जुड़े हुए, यू कैन कमेंट मी, क्वेश्चन मी, एंड आगे भी हम लोग इसके जुड़े हुए जितने भी क्लासिकल थिंकर्स है उसका एक लाइव स्ट्रीमिंग लेक्चर करेंगे, जिसमें आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग ढाल सर क्लासेस। थैंक यू।